बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं होममेड कंडेंस्ड मिल्क। बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल सही, बाजार से भी ज्यादा अच्छा। तो इसके लिए हमें सिर्फ तीन चीजों की जरूरत है। एक, मैंने ये दो कप तीन कप मैंने मेजरिंग कप जो होते हैं वो दूध के लिए हैं, और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें एक कप चीनी जाएगी, यानी तीन कप दूध, एक कप चीनी, और जब ये हाफ डन हो जाएगा तो इसमें ये इतना सा एक पिंच मीठा सोडा डाला जाएगा। मीठा सोडा डालने से ये कि एक तो थिक जल्दी हो जाता है और दूसरा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम पहले दूध को बॉईल कर लेंगे और साथ ही इसके चीनी डाल देंगे। चीनी जो है वो हमने साथ ही डालनी है ताकि जो चीनी पकते वक्त इसका पानी होगा वो भी साथ ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसको हम हला लेंगे। ये बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनता है। किसी भी आप डिज़र्ट में डाल सकते हैं, आइसक्रीम इससे बना सकते हैं। बाज़ार का एक तो महंगा बहुत होता है और दूसरा वो फ्लेवर जो डालते हैं उसको वो भी इतना अच्छा नहीं होता। घर में आप इजीली बना सकते हैं। और इसको बना के पहले ठंडा करें अच्छी तरह और फिर इसको आइसक्रीम या किसी भी डिज़र्ट में डालें। अब पहले दूध को बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसको मुसलसल हलाएँगे। इसको छोड़ना नहीं है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है इसमें। ये दूध को उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम पास ही रहेंगे और हिलाते रहेंगे। जब ज़रा ऊपर आएगा तो हम फ्लेम को ज़रा स्लो कर देंगे, लेकिन जब नीचे होगा तो फिर हम इसको तेज़ कर देंगे। जितनी ये तेज़ फ्लेम पे बनेगा उतना ही ये अच्छा होगा। यह के नीचे हो गया, अब हम फिर फ्लेम तेज़ करेंगे ताकि जल्दी इसमें दो तीन जोश आएंगे तो फिर ये उबलेगा नहीं बल्कि पकने लग जाएगा। ये देखो दूध में उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, मसलसल हलाते जाएंगे ताकि चीनी भी मेल्ट हो जाए और ये दूध जो है ये भी गाढ़ा होना शुरू हो जाए। चूल्हा जो है वो हम मीडियम पे रखेंगे, मीडियम लो पे नहीं, मीडियम फुल पे, ताकि ये जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि दूध में चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए ये जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसको पाँच से छः जोश आ गए हैं। अब हम इसमें मीठा सोडा जो है वो डाल देंगे। ये देखिए, और ये देखें बबल आने शुरू हो गए हैं दरमियान में। अब बहुत एहतियात से इसका चूल्हा स्लो कर दें ताकि ये उबल ना जाए। जब ये नीचे होगा फिर इसको दोबारा तेज़ कर लेंगे। एक इस पर झाग बननी शुरू हो गई है मीठा सोडा डालने की वजह से। अब ये एकदम ठीक होना शुरू हो जाएगा। चलिए हम इसको, जब तक इसका क्रीम सा येलो सा कलर, लाइट येलो सा आएगा तो फिर ये तैयार हो जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे पता चले। देखिए मैं इसको मुसलसल चला रही हूँ, कम से कम भी ये 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब ये ठीक होना शुरू हो गया है। पहले बिल्कुल ये लिक्विड हुआ और लाइट सा ऑफ वाइट कलर हुआ, अब ये येलो कलर होता जा रहा है और ये थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया। लेकिन मुसलसल चम्मच चलाना है और कभी चूल्हा तेज़ करना है जब जोश आए और ऊपर को दूध आए, जैसे ये देखिए अब, तो इसको बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देना है ताकि ये उबले ना। और अगर हम एक ही स्पीड से चलाएंगे स्लो पे तो फिर टाइम और ज़्यादा लगेगा। अभी भी ये काफ़ी पतला है, इसको और मैं ठीक करती हूँ। ये देखिए ये तैयार हो गया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसका कलर देखें, ये बस इतना जो है ना वो ठीक होना चाहिए। ये जब थोड़ी देर ठंडा होगा, पड़ा रहेगा, तो ये और ठीक हो जाएगा। अब इसको मैं प्याली में डालूंगी या जार में डाल लेंगे। ये दो से तीन हफ्ते फ्रिज में एयर टाइट जार में बिल्कुल ठीक रहेगा और ये ठीक होगा। आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें। अब मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको इसके साथ होममेड आइसक्रीम जो है वो बनाना सिखाऊंगी। इसको अभी इसी पैन में थोड़ी देर रखेंगे, जब ज़रा नॉर्मल हो जाएगा फिर हम इसको प्याली में डालेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।